आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत देवना गोमती माता वळांग बारा दरिया किनारा ने प्लास्टिक मुक्त करवा अधिकारियों चूंटायेला जनप्रतिनिधिओ अने दीव कॉलेज ना एनसीसी कैडेट द्वारा सफाई अभियान करवामां आव्युं। दीव कॉलेज ना एनसीसी आर्मी विंग द्वारा पुनित सागर कार्यक्रम अंतर्गत गोमती माता वळांग बारा दरिया किनारा ने प्लास्टिक मुक्त करवा माटेनो कार्यक्रम योजवामां आव्यो। आ कार्यक्रम में 8 गुजरात बटालियन जूनागढ़ एनसीसी ना सीओ कर्नल राजेश सिंह शौर्य मेडल अने सेना मेडल थी सम्मानित अने दीव कलेक्टर सलोनी राय, डेप्यूटी कलेक्टर विवेक कुमार, डीवायएसपी मनस्वी जैन, मामलतदार चंद्रदास वाजा अने अन्य प्रशासनना मुख्य अधिकारीओ, चूंटायेला जनप्रतिनिधिओ अने दीव कॉलेजना एनसीसी कैडेट द्वारा सफाई अभियान करीने दरिया किनाराने प्लास्टिक कचराथी मुक्त करीने दरियामां थतुं प्रदूषण अटकाववानो प्रयास करीने लोको अने माछीमारोने दरियामां थतुं प्रदूषण अटकाववा जनजागृति अभियान चलाव्युं हतुं। बिपिन बामणिया, दीव ब्रेकिंग न्यूज, दीव। ये पूरे देश में हमारे जो एनसीसी हैं वो जितने भी कोस्ट है पूरे देश का उसमें आज ये सफाई अभियान कर रहे हैं। 19 दिसंबर को सारे हजारों के हजार लाखों के तादाद में आज एनसीसी बीच सफाई में लगे हुए, और हमारे लिए दीव के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि ये कोइंसाइड करता है दीव के लिबरेशन डे से। पूरे दीव के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आज के दिन ही दीव को आज़ादी मिली थी पोर्टुगीज से, और सारे बच्चे यहाँ, लोकल स्टाफ यहाँ, गांव वाले सब ने मिलकर, और यहाँ के कलेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सब लोगों ने आज आकर ये बीच की पूरी सफाई की। एक अच्छा संदेश दिया है दीव वासियों को और पूरे देश को कि हम जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास का इलाका, और जो स्वच्छ भारत अभियान जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने आज एक तरह से कोशिश किया, और उम्मीद है इसी तरह से लोग जागरूक होकर इस सफाई अभियान को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय भारत। सफाई अभियान शुरू करूँ अत्यारे कलेक्टर मैडम अमरा दीव में ने प्रशासन द्वारा जे जाहिर में दारू बोटलों फेंकवा उपर ने दारू की बोटलों दरिया में फेंकवा उपर प्रतिबंध करेलो है, तो ये बदल खूब खूब एमनो आभार व्यक्त करीए छे। अने आज रीते जो आखी दुनिया में प्रदूषित पानी ने बनतु अटकावे, आज गाम आखानो कचरो, गाम आखानी गटर, बधी होटलों ने ग्रेनेज दरिया में ज आपेला छे, ए बधाने स्टॉप करवू जोईए, पोतानो ग्रेनेज बनावे। माछीमार समाज ए दरिया में जाय छे तो दरियानी अंदर घणी बधी वस्तुओ फेंके छे, बेटरी फेंके छे, ओइल फेंके छे, डीजल फेंके छे, पोतानुं ने बधी ज वस्तुओ पाछी नथी लई आवता, बधुं प्लास्टिकनो कचरो दरियामां ज फेंके छे। तो बधा उपर कमांड राखी, बधा उपर स्ट्रिक्ट थई ने प्रशासनिक पगला लेवा पड़े, ने लेवा जरूरी छे। અત્યારે બધી બાજુ કોન્ક્રેટોના જંગલ બને છે, તો પૃથ્વીનો નાશ કોઈ રોકી નહીં શકે એવી આપણે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે જ્યારે આજે, ને આપણે બધું કેમિકલ્સ છે, બધું જે કચરો છે, તમામ કચરો કેમિકલ્સ આપણે જળવાયુને પ્રદૂષિત કરીને આપણે દરિયામાં ઠલવીએ છીએ, ને દરિયાનું સરેરાશ તળિયું એમ કહેવાય કે 4 ફૂટ તો તળિયું કદાચ આપણે ભરી જ દીધું હશે પ્લાસ્ટિકથી, ને અમેરિકાથી લઈને આખી દુનિયાના બધા દેશોમાં આ સેમ સિચ્યુએશન છે, સેમ પ્રોબ્લેમ્સ છે, કોઈ દેશ એવો અત્યારે સર જલવાયુ પ્રદૂષણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ એ પૃથ્વીનો સડકતો પ્રશ્ન છે, જે આખી દુનિયામાં આની અસર જોવા મળે છે। ક્યાંક બરફના વરસાદ પડે છે, ક્યાંક ગ્લેશિયર ઉકળે છે, ક્યાંક જંગલો બળી જાય છે, ક્યાંક ભૂકંપ આવે છે, ને એ બધું જે કંઈ નિર્માણ થાય છે એ આપણે મનુષ્ય સર્જિત જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ આપણે કરીએ છીએ, આડેધડ ડેવલપિંગ કરીએ છીએ, ને જ્યાં ત્યાં આવે કચરો ફેંકીએ છીએ, ને પર્યાવરણને નુકસાન કરી છે, ઝાડપાનનું નિકંદન કાઢી નાખી છે, આપણે કટિંગ કરી છે। જે એનસીસીના પુનિત સાગર અને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ હેઠળ અમે વણાક બારાના ગોમતીનગર બીચે સ્વચ્છતા અભિયાનને આગળ વધારવા માટે ભેગા થયા હતા। માનનીય સીઓ સર, કલેક્ટર મેમ અને એનસીસીના એનઓસ તથા એનએસએસના હેડ કોકિલા મેમ એ બધા અમારા સાથે હતા, અને અહીંયા પ્લાસ્ટિકનો કચરો વગેરે કચરો વીણી અમે સ્વચ્છતા અભિયાનને મહત્ત્વ આપીએ છીએ।